अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सारे हजरात इस बात से वाकिफ हैं कि ये जो वक्फ तरमीमी बिल जो हुकूमत की जानिब से पेश हुई है, जिससे मुसलमानों की औकाफ की ज़मीनें, औकाफ की जायदादें, इसे जो है बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। इसलिए जॉइंट पार्लिमानी कमेटी ने आवाम से जो है राय तलब की है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाकायदा उसका एक मैटर बनाकर जो तरमीमी बिल जिसमें जो कवानीन हैं हम उसे नहीं मानते, हम उसकी मुखालफत करते हैं, ये मैटर बनाकर आवाम के सामने पेश किए हैं। और मैटर जो है जॉइंट पार्लिमानी कमेटी जो है सेंड करना है और उसकी आखिरी तारीख है। अल्हम्दुलिल्लाह दो तीन दिनों से काफ़ी कोशिशें चल रही थी। हमारे इस महल्ले में मस्जिद फिरदौस में कल से जो है माशाल्लाह कोशिशें चल रही हैं और काम हो रहा है। और आज सारे नौजवान महल्ले के मिलकर जितने लोग आए थे उनमें जिनका जो है अभी तक राय अभी रवाना नहीं किए थे, स्कैन नहीं किए थे, उन सब की जो है राय यहाँ जो है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से आज जा चुकी है। मैं इस चैनल के ज़रिए से सारे आवाम से, सारे मुसलमानों से मैं इस बात की अपील करता हूं, जो अभी तक जो है अपनी राय पेश नहीं किए हैं, चाहे वो मर्द हो, औरतें हो, घर के जितने अफराद हैं, वो सब के सब पहली फुर्सत में जो है वो पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जो QR कोड जो जारी किए हैं उसे स्कैन करके जो है अपनी राय जो है भेज दें। इसे इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस अमल के ज़रिए से औकाफ़ की पूरी तरीके से हिफाजत फरमाएंगे। और इसी के साथ साथ ये पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जो QR कोड जो जारी हुआ है, ये QR कोड है, अल्हम्दुलिल्लाह इस पर काम हो रहा है। अभी जो है काम बाकी है, आज शाम तक जितना हो सके सारे लोग जो है इसे जो है पूरा करने की कोशिश करें। दूसरी बात ये है कि अभी एक दिन पहले जो नागमंगल में जो हादसा हुआ, हम जो है पूरी उसकी मजम्मत करते हैं। जिन लोगों ने, शरपसंदों ने मुसलमानों की दुकानों को जो है नज़र आतिश किया है, करोड़ों का नुकसान हुआ है,
मैं सारे मुसलमानों से इस बात के लिए गुजारिश करता हूँ कि जोश और जज्बे से मुसलमानों का नुकसान ही होगा, इससे जो है मुसलमानों का कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए बड़ों की रहनुमाई में जो भी काम करना है, हम बड़ों की उलमाए इकराम की रहनुमाई में हम काम करेंगे तो इंशाल्लाह इससे उम्मत का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। लिहाजा ऐसे जब भी हालात पेश आते हैं तो उसमें अपने जोश और जज्बे को इस्तेमाल ना करते हुए, सुकून और अमन का मुजाहरा करते हुए, बड़ों के रहनुमाई में कानूनी तरीके से इस काम को पूरा करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। मैं दोबारा और एक बार गुजारिश करता हूँ सारे लोगों से जो अभी तक ये QR कोड स्कैन करके अपनी राय जो नहीं भेजे हैं, वो पहली फुर्सत में अपनी राय भेज दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।